बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज सनाज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा पराठा। पिज़्ज़ा पराठा बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है और मेरे यहाँ जो कि चीज़ें मैं ऑर्डर पे तैयार करती हूँ, सेल करती हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा सेल होने वाली, ऑर्डर की जाने वाली चीज़ जो है वो पिज़्ज़ा पराठा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। तो ये आप बच्चे ऐसे चलते फिरते भी उनका मूड हो या कभी घर में कुछ अच्छा ना पका हो तो आके मुझे ऑर्डर कर देते हैं, आंटी पिज़्ज़ा पराठा बना दें, अपनी पॉकेट मनी से भी वो ले लेती है और मज़े का भी बहुत बनता है। इसीलिए जो है मैं आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आप इसको ना सिर्फ ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको वैसे भी मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन आइडिया है ये। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें आम घर का गूंदा हुआ आटा चाहिए। इस वक्त मैं चार बना रही हूँ, तो इसलिए चार पेड़े हमें चाहिए आटे के। आम रूटीन का घर का आटा है, लेकिन जो मैं सेल करने के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने फाइन आटा लिया है। फाइन आटे के ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपके पास फाइन आटा नहीं है, आप घर का जो होल व्हीट आटा है उसमें हाफ आप मैदा भी शामिल कर सकते हैं। और नमक डाल के मैंने इसको सिंपल गूंद लिया है, ठीक है। और इसके लिए चार अंडे चाहिए चार पराठों के लिए। और ये प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मिर्च, ये सब चीज़ें मुझे चाहिए थोड़ी थोड़ी। आप अपने टेस्ट और चॉइस के हिसाब से जौन सी आपको सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा कर लें, जो कम पसंद है वो कम कर लें। और सबको मैंने ऐसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा इनका चूरा नहीं किया। हर चीज़ के इतने चंक्स होने चाहिए सब्जियों के कि हर चीज़ का फ्लेवर आपको अलग अलग आए, ठीक है। हरी मिर्चें मैं थोड़ी कम डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत तेज़ वाली हैं। और मसालों में जो है मैंने नमक लिया है, नमक आपने हसबे जायका लेना है, रेड चिली पाउडर है हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स हैं और हाफ टी स्पून ही मेरे पास ये काली मिर्च का पाउडर है, ब्लैक पेपर है, ठीक है। और ये साथ मेरे पास ओरिगानो है, थोड़ा सा मैं इसमें ओरिगानो शामिल करूँगी। आइए अब हम इसको मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ये हाफ टी स्पून मैंने इसमें ओरिगानो का भी डाल दिया, ठीक है। अब मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। पहले अंडे को फेंट लेंगे। यस, ये आटा पेड़ा मैंने बेल लिया है। इसको हम नॉर्मल जैसे हम पराठा बनाते हैं उसकी तरह इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके, आम जैसे हम रूटीन का पेड़ा बनाते हैं पराठे का, बस वैसे पेड़ा बना लेंगे। फाइन आटे का यही फ़ायदा है कि इसमें हमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना पड़ता और ये फिर भी ज़्यादा क्रिस्पी बन जाता है। इसी तरह हम सारे पेड़े तैयार कर लेते हैं। तवा गरम हो चुका है, अब हम इस पे पराठा डाल देंगे। फ्लेम आपका लो होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा सेक लगेगा पराठे को तो हम इसे उल्टा देंगे। और फिर हम इस पे ये अंडे का मिक्सचर जो हमने बनाया हुआ है ऑमलेट का वो डाल देंगे। ऑयल डालेंगे साइड पे और साथ ही हम इसे उल्टा देंगे ऐसे, और एक चम्मच से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि अंडा इक्वली फैल जाए। ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करेंगे, फ्लेम बिल्कुल लो ताकि अंडा अंदर से कच्चा ना रह जाए। ये देखिए
बिल्कुल हल्का सा हम ऑयल निचली साइड पे भी लगा देते हैं। बस जैसे ही दूसरी साइड भी क्रिस्पी हो जाएगी तो हम इसको उतार लेंगे। आपने अच्छी तरह चेक कर लेना है, अंडा कच्चा नहीं होना चाहिए इधर से, क्योंकि सेंटर से मोटी लेयर होती है अंडे की तो वो कच्चा रहने का डर होता है। अगर बीच में से ये जैसे थोड़ा सा कच्चा रह गया तो हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल के दोबारा इसको टर्न करेंगे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे, थोड़ा प्रेस करके। ये देखें एक पराठा तैयार हो गया। इसी तरह हम सारे पराठे तैयार कर लेते हैं। व्यूअर्स ये देखें हमारा पराठा तैयार है, अब हम इसे रेडी कर लेंगे। ये मेरे पास आप देख रहे हैं ये क्रीम चीज़ है मेरे पास, ये मैं इस पर पहले ये लगाऊंगी और ये केचप है, इसको भी फिलहाल साइड पे करते हैं। आपको जितनी पसंद है उस हिसाब से आप ये लगा लें। केचप डाल लेंगे, केचप आपकी चॉइस है कि आपने चिली गार्लिक डालनी है कि सादी केचप डालनी है, ये भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। बस ये अब हमारा एक पराठा तैयार हो गया है, बहुत ही यम्मी पराठा है। अब मैं सारे तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी सर्विंग भी दिखाती हूँ। इसकी सर्विंग का एक तरीका ऐसे भी है कि हाफ में केचप लगाई है, हाफ में हमने ये मायनीज लगा ली है, हम इसको ऐसे तरीका इसका ये है कि मायनीज लगाई, ऐसे ही केचप लगा ली हमने और फिर हमने इसको रोल कर लिया। देखें कितने प्यारे कितने मजे के हमारे रोल बन गए, बहुत ही हेल्दी हैं। अब हम इसकी सर्विंग तैयार करते हैं। हमारे मज़ेदार पिज़्ज़ा पराठा बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें ये इसको आप ऐसे भी पिज़्ज़े की तरह आप इसको कट करके ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, जैसे आपके बच्चे पसंद करें, और लंच बॉक्स में देना है और इस तरह आप बनाएं तो हाथ भी गंदे नहीं होंगे बच्चों के और खाने में भी इजी हो जाएंगे। बहुत ही मज़े के हैं और मेरे तो जितने भी जानने वाले हैं सबके फेवरेट हैं। तो इंशाल्लाह आप बना के देखें, ट्राई करके देखें कि आपके भी फेवरेट बन जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाज़िर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।